नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री से मिलकर विशाल जूट की रिहाई पर करेंगे बातचीत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी मिलेंगे। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से मिलने सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच हरियाणा में टूरिज्म को लेकर हुई बातचीत। राहुल गांधी ने फाइनेंस मिनिस्टर के आर्थिक पैकेज को एक और ढकोसला बताया। ट्वीट कर लिखा कि पैकेज को कोई परिवार अपने रहने खाने दवा बच्चे की स्कूल फीस पर खर्च नहीं कर सकता। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। 24 घंटे में 37,000 से अधिक नए केस आए सामने। 907 मरीजों की जान चली गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 5 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 56,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,727 नए मरीज मिले, जबकि 10,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 287 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 59 से ज्यादा केस आए सामने। 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 1,000 से भी अधिक केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना के 94 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 172 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 1,000 से भी ज्यादा। फरीदाबाद डीसी यशपाल यादव ने कहा कि सरकार और प्रशासन के सहयोग से जिले में कोरोना के संक्रमण को काबू पर पाया गए हैं, लेकिन अभी संक्रमण का खतरा टला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। डीसी ने कहा कि जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मरीज पाया गया है, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके परिवार के सभी लोगों का भी टेस्ट करा लिया गया है, किसी में कोई लक्षण नहीं मिले। डीसी यशपाल यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण की किसी भी लहर से निपटने के लिए वैक्सीनेशन सबसे कारगर उपाय है। जिले में अब तक 8 लाख से अधिक लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। बाजारों में बढ़ती भीड़ को लेकर डीसी ने कहा कि यह चिंता का विषय है और जिला प्रशासन इससे निपटने के लिए कारगर कदम उठा रहा है। फरीदाबाद में प्रदेश का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है। सिविल सर्जन ने कहा कि परिजन टेस्टिंग में स्वस्थ पाए गए। सिविल सर्जन ने बताया कि एसआईसी मेडिकल कॉलेज की ओर से 165 सैंपल जीनोम टेस्टिंग के जरिए भेजे गए थे, जिनमें से एक केस डेल्टा प्लस वेरिएंट का पाया गया। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। पेट्रोल 35 पैसे महंगा हुआ तो डीजल की कीमतों में 28 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98.81 रुपए प्रति लीटर हो गया, तो जबकि डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर की ऊंचाई पर है। भोपाल में पेट्रोल 107 रुपए के पार है। हरियाणा में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डीजल का रेट भी 28 पैसे बढ़ा है। प्रदेश में पेट्रोल का रेट 95.95 रुपए प्रति लीटर हो गया और डीजल की कीमत 89.94 रुपए प्रति लीटर हो गई। कुरुक्षेत्र में थानेसर विधायक अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पीपली ज्योतिसर मार्ग निर्माण कार्य की कछुआ चाल से खफा है। अधीक्षक अभियंता जायजा लेने पहुंचे, उनके सामने अधिकारियों को विधायक ने लताड़ लगाई है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि एक महीने के अंदर अगर सब कुछ दुरुस्त नहीं हुआ तो फिर एक्शन होगा। अगर सड़क के कारण कोई घटना होती है तो ठेकेदार और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। सोनीपत में बर्खास्त PTI टीचर अपनी नौकरी बहाली के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो पिछले काफी दिनों से मिनी सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। शिक्षक संघर्ष समिति के सोनीपत प्रधान का कहना है कि जब बड़ौदा का उपचुनाव था उस दौरान सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था। सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें नौकरी पर वापस रखा जाए। कर्मचारियों का PF जमा न करवाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सभी मुख्य नियुक्तियों के लिए अपने अधीन काम करने वालों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए मुख्य नियुक्ति ऑनलाइन तरीके से भी अपने अधीन काम करने वाले ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर कोई मुख्य नियुक्त रजिस्ट्रेशन का नहीं करवाता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जांच में पता चलता है तो इसकी भरपाई मुख्य नियुक्ता से करवाई जाएगी। बैरादौर में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की राशन कार्ड अपडेट करने वाली साइट पिछले 4 महीने से बंद पड़ी है। ऐसे में ना नया राशन कार्ड बन पा रहा है और ना ही अपडेट का कोई काम हो पा रहा है।
सोनीपत में मुख्यमंत्री के ओएसपी गजवेंद्र फोगाट मुख्यमंत्री की शुभकामना का संदेश लेकर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया के घर पहुंचे। उनके पिता बलवान सिंह पुनिया और परिजनों से मुलाकात कर बधाई संदेश दिया। बजरंग पुनिया हाल ही में खेलते हुए रूसी पहलवान अब्दुल मजीद से चोटिल हो गए थे। गजवेंद्र फोगाट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजरंग पुनिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना भेजी है और ओलंपिक मेडल के लिए भी शुभकामनाएं भेजी हैं। सोनीपत का सुभाष स्टेडियम बदहाली के आंसू बहा रहा है। स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। वाटर कूलर में सफाई हुए कई साल बीत चुके हैं और शौचालयों में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों में जबरदस्त रोष है। उनका कहना है कि यहां जिस तरह से हालात हैं ऐसे में प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल होता है। यमुनानगर में के सेफ हाउस में लड़की के सुसाइड करने का मामला सामने आया। 3 दिन पहले प्रोटेक्शन लेकर प्रेमी जोड़ा सेफ हाउस में आया था। लड़की ने अपने दुपट्टे से पंखे पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। सेफ हाउस में जबकि काफी देर तक लड़की का कमरा बंद रहा तो स्टाफ ने कमरा खोला, देखा कि लड़की ने पंखे पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। राजस्थान के नागौर की रहने वाली 24 वर्षीय युवती का यमुनानगर के युवक के साथ सोशल मीडिया पर प्यार परवान चढ़ा और वो यमुनानगर आ गई। यहां दोनों शादी कर ली और कोर्ट से प्रोटेक्शन लेकर सेफ हाउस में रहने लगे। सोनीपत में प्रेम प्रसंग में दिल्ली के संदीप की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। अवैध संबंधों के चलते किराएदार युवक के साथ मिलकर पत्नी ने हत्या करवाई थी। तीसरे आरोपी की अभी तलाश जारी है। पुलिस को गांव नहारा में नहर की पटरी पर युवक का शव मिला था। परिजनों ने बताया कि वो किसी काम से घर से गया था, फिर वापस नहीं लौटा। कोसली पुलिस ने युवक से 540 ग्राम गांजा बरामद किया। कोसली नठीरा रोड पर पुलिस से चेकिंग के दौरान युवक से गांजा मिला। पकड़ा गया आरोपी जज्जर का रहने वाला। हरियाणा में यूथ कांग्रेस के इलेक्शन को यूथ कांग्रेस संगठन सक्रिय हो गया। फतेहाबाद पहुंचे हरियाणा प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए 7 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीवी चौहान ने बताया कि जिला स्तर पर चुनाव होंगे जो ऑनलाइन माध्यम से करवाए जाएंगे। रेवाड़ी में गर्मी के मौसम के चलते पंजाबी बिरादरी और पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने बाजारों में ठंडे पानी की रेहड़ियां लगवाई हैं। हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव का कहना है कि संकट की घड़ी में ऑक्सीजन और एम्बुलेंस मुहैया करवाने से लेकर हर जिम्मेदारी को पंजाबी बिरादरी और पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने बखूबी से निभाया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 7 दिन में बच्चे पोर्टल पर नहीं आए या SLC लेने अभिभावक नहीं आए तो हरियाणा के शिक्षा विभाग के सब कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि जब सरकार मॉल खोल सकती है, बस चला सकती है, तो स्कूल क्यों नहीं खोल सकती। स्कूल संचालकों ने कहा कि शिक्षक और मोबाइल में फर्क है। स्कूल संचालकों का कहना है कि अगर स्कूल नहीं खोले तो हरियाणा की पीढ़ी खराब होगी। हम बच्चों को पेरेंट्स की सहमति से स्कूल में बुलाना चाहते हैं तो सरकार को आपत्ति क्यों है। फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्कॉट लिमिटेड कंपनी के R&D केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के साथ इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों पर हो रही नई तकनीक को भी देखा है। इस दौरान दुष्यंत ने कहा कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहनों और ट्रैक्टरों का है। उन्होंने कहा कि ये उत्पाद भविष्य की आवश्यकता है और इन्हें इको फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पर तैयार किए गए हैं। रेवाड़ी में युवा कांग्रेस के मेंबरशिप प्रमोशन के तहत विधायक चिरंजीव राव ने अपने आवास पर रेवाड़ी में युवा कांग्रेस जिला स्तर की मीटिंग ली। इस दौरान यूथ कांग्रेस के 5 पदों के लिए होने वाले चुनाव की जानकारी दी गई। विधायक चिरंजीव राव ने बताया कि युवा कांग्रेस कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस बार ऑनलाइन चुनाव करा रही है। 18 से 35 साल का कोई भी शख्स इस जिस पर कोई केस ना हो यूथ कांग्रेस का सदस्य जो है वो बन सकता है। किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की पंजीकरण अवधि को बढ़ाया है। अब किसान 15 जुलाई 2021 तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। योजना के तहत धान की जगह पानी का बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने पर ₹7,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला सिरसा में 27,550 एकड़ का लक्ष्य दिया गया है। इस योजना के अनुसार जो किसान धान फसल की जगह वैकल्पिक फसल जैसे मक्का, कपास, अरहर, मूंग, ग्वार, तिल, मूंगफली, मोठ, उड़द, सोयाबीन की फसल करेगा उसे ₹7,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन मिलेगा। गुरुग्राम में भूमाफियाओं पर DTP विभाग बड़ी कार्रवाई करते हुए अरावली की तलहटी में 20 एकड़ जमीन पर बने अवैध फार्म हाउस कॉलोनी का जमींदोज कर दिया गया। 2 से 5 करोड़ एकड़ में बेचा जा रहा था फार्म। सैकड़ों पेड़ों को काटकर सुव्यवस्थित सड़क सिवर पानी की लाइन सीसीटीवी फुटेज से लैस अवैध फार्म हाउस कॉलोनी बसाई जा रही थी।
अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला को सुंदर और स्वच्छ बनाने की मुहिम की शुरुआत कर दी है। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला के प्रेम नगर स्थित शास्त्री पार्क में पार्टी के सभी पार्षदों और स्थानीय जनता के साथ मिलकर पौधारोपण अभियान चलाया। इस मौके पर पार्क में करीब 40 फलदार पौधे लगाए गए। वही पार्क की दयनीय स्थिति पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जल्द ही इस पार्क को सुंदर और बेहतर बनाया जाएगा। आम जनता भी मेयर की इस मुहिम की जमकर सराहना करते हुए नजर आई। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने स्थानीय लोगों को से भी पौधारोपण करवाया और उनसे सभी पौधों की देखभाल करने की अपील भी की है। ऑस्ट्रेलिया जेल में बंद विश्वाल के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के भारतीय उच्चायुक्त वहां विश्वाल की जमानत कराएं, क्योंकि 1 जुलाई को अदालत में उसकी पेशी है। परिजनों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से व्यक्तिगत मुलाकात की भी इच्छा जताई और कहा कि हम मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर उनके समक्ष सारा मामला रखना चाहते हैं। विशाल के भाई रवि ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विशाल से बात हुई है, जेल में उसके साथ बंद कुछ कैदी उसे घूरते और छुड़खानी का प्रयास करते हैं, उसके साथ वहां अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने वीसी कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय में होने वाले एग्जाम में ऑनलाइन ऑफलाइन और अटेम्प्ट यानी 5 प्रश्न की सुविधाएं देने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि इस मांग को लेकर वो पहले भी कई नेताओं और अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होती, इसलिए वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। रतिया के वार्ड नंबर 2 में लोग बिजली समस्या से परेशान हैं, जिसके चलते लोगों ने बिजली विभाग के एसटीओ से मिलकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। बोले, समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वही कोसली के बड़गी गांव में घरेलू कलह के चलते एक दंपति ने आत्महत्या कर ली है। आपसी कहासुनी के बाद पत्नी नहर में कूदने की धमकी देकर घर से निकल गई। पत्नी की नहर में डूबने से मौत हो गई, जबकि पति की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में एमटीपी किट बेचने के गोरख धंधे का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बोकास ग्राहक के जरिए नागरिक अस्पताल में ठेके पर कार्यरत महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नागरिक अस्पताल में एमटीपी किट चुरा कर महिला अवैध तरीके से बेच रही थी। बिना डॉक्टर की पर्ची के एमटीपी किट बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। गुआना उपमंडल के गांव सिरसाड़ के लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करते वक्त गोली चलने का मामला सामने आया। गोली लगने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक महिला जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि शख्स सतीश अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहा था, तभी गोली चल गई। गोली सीधे सतीश को लगी, जिसके बाद उसने मौके पर दम तोड़ दिया। गोली छुर्रे लगने की वजह से सतीश के छोटे भाई की पत्नी जख्मी हो गई। एसआर के एसटीएफ और रानिया थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाते 3 बदमाशों को अवैध हथियारों और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बदमाशों से 32 बोर के 6 पिस्तौल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए। वही डीएसपी आर एन चौधरी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान की गई है। पूछताछ में पता चला है कि हथियार मध्यप्रदेश क्षेत्र से लाए गए थे। सिरसा में लगातार चोरी की घटनाओं को लेकर कारोबारियों में आक्रोश हुआ। कारोबारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर डीएसपी आर एन चौधरी को ज्ञापन भी सौंपा। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अनाज मंडी समेत शहर के अलग अलग हिस्सों में चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। पुलिस से मांग है चोरी पर लगाम लगाई जाए। भिवानी के कुकड़ा मार्केट के कंप्यूटर संचालक पर लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। लड़की का आरोप है कि संचालक ने उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने की कोशिश की है। लड़की के विरोध करने पर संचालक ने धमकी दी। लड़की की माने तो टीचर काफी दिन से छेड़छाड़ कर रहा था। लड़की ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर मृत तेंदुआ मिला। किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो गई है। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। साइबर सिटी गुरुग्राम के खानसा रोड पर स्थित 2 दुकानों में आग लग गई, जिससे दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से दुकानों में आग लगी है। नूह जिले में हिंदुओं की दयनीय दशा, अत्याचार, जबरन धर्मांतरण को लेकर दाखिल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जुलाना की मेन मार्केट में हार्डवेयर और पेंट की दुकान के मालिक को फोन कर किसी ने धमकी भरा फोन किया, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत की। उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई तक बनने वाले रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के अनियमितताओं के लिए पलवल में जिला उपायुक्त ने 6 पटवारियों समेत 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। वह जमीन अधिग्रहण के इस मामले में एसडीएम कंवर सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, जबकि एसडीएम जितेंद्र कुमार और नरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इस फ्रेट कॉरिडोर के लिए पलवल के 10 गांवों के में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। रेलवे की पॉलिसी का लाभ लाने के लिए करीब 100 गज जमीन के 400 मालिक बनाए गए हैं।
वह छोटी छोटी जमीन के अधिग्रहण के लिए 22 करोड़ रुपए बतौर अवार्ड घोषित किए गए। इतनी मोटी रकम को लेकर जब रेलवे अधिकारियों को शक हुआ तो उसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई, जिसके बाद मामले में एक्शन लिया गया। वह दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त कुलपति कर्ण मलेश्वरी यमुनानगर में अपने निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में सभी राज्यों के खिलाड़ी दाखिल ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए अधिक से अधिक मेडल लाना है। इस विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। कोरोना टाइम में लोगों को विभिन्न स्तर पर राहत पहुंचाने और कोविड 19 की संभावित थर्ड वेव को लेकर सरकार की तैयारी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणा की। सरकार को स्वास्थ्य, पर्यटन, किसान, छोटे शहर और छोटे दुकानदारों को राहत दी गई। सरकार ने कोविड 19 से प्रभावित सेक्टर्स के लिए कुल 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम पेश की है। गारंटी स्कीम पेश करने के बाद 8 बड़े मेट्रो शहरों को छोड़कर बाकी छोटे शहरों में स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने के लिए सरकार लोन गारंटी कवर देगी। ये गारंटी कवर न्यू प्रोजेक्ट या पुराने प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए होगा। किसी प्रोजेक्ट को मैक्सिमम 100 करोड़ का लोन मिल सके, जिस पर सरकार की गारंटी 3 साल तक रहेगी। सेक्टर हेल्थ में बनाए प्रोजेक्ट के लिए सरकार 75% और पुराने प्रोजेक्ट पर 50% का गारंटी कवर सरकार देगी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में दोनों तरह के प्रोजेक्ट पर 75% लोन गारंटी सरकार देगी। अन्य सेक्टर को सरकार 7,000 करोड़ की क्रेडिट लाइन देगी। इसमें हेल्थ सेक्टर के लिए अधिकतम ब्याज दर 7.95% और अन्य क्षेत्र के लिए 8.25% होगी। सरकार ने पिछले साल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की सीमा लॉन्च की थी। सरकार ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से लोन लेने वाले छोटे कर्जदारों के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की है। इसमें MSFI या NBFC द्वारा व्यक्तियों को 1,25,000 रुपए तक का लोन देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी दी जाएगी। कोरोना से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को या बिजनेस दोबारा शुरू करने वाले वो पार्किंग कैपिटल लोन या पर्सनल लोन दिया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र की योजनाओं के तहत सरकार पर्यटन मंत्रालय या राज्यों के स्तर पर रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड को मदद देगी। रोहतक के मकड़ौली गांव में फायरिंग हुई, जिसमें युवक को गोली लगी। युवक को रोहतक PGI में भर्ती कराया गया। आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र फिर सदा निशाना, लिखा देश को उनसे सच्चाई की थी उम्मीद, जो नहीं जानते सच है क्या। शनिवार रविवार को जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन बम विस्फोट के बाद कालूचौक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन देखा गया। बताया जा रहा है कि सुबह तड़के 3 बजे जम्मू के कालूचौक मिलिट्री स्टेशन पर ड्रोन देखा गया। ड्रोन के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इस पर 25 राउंड फायरिंग भी की थी। फिलहाल ड्रोन की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि पड़ोसी देश के साथ बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए, मंशा साफ होनी चाहिए। हम किसी को न तो आंख दिखाना चाहते हैं, न किसी का आंख दिखाना मंजूर है। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच चल रहा तनाव जारी। ट्विटर ने इस बार भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है, बाद में गलत नक्शे को हटा दिया। दावा है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया था उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया था। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग देश के तौर पर दिखाया था। ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीप लाइफ सेक्शन में वर्ल्ड मैप है। यहां से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम है। इस मैप में इंडिया भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया था। इससे पहले भी लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था, हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया था। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने ग्रीवेंस अधिकारी धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफे के बाद भारत में जेरेमी कैसल को नियुक्त किया है। नए IT नियमों के तहत की गई है नियुक्ति।